काम करता है, अकाउंट सेक्शन एक तरफ काम करता है, रिकवरी सेक्शन एक तरफ काम करता है, तीनों में सामंजस्य नहीं होगा। जब ईआरपी सिस्टम लागू हो जाएगा, ईआरपी का मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग भी एक अच्छा हो गई है उसकी बारीकी है, तो कुछ चेंजेस उसके अंदर कंडीशन में जो चेंजेस लाने की आवश्यकता है वो लाने को देने के लिए और प्रोसेसेस को सरलीकरण करने के लिए, तो इसके संबंध में तमाम निर्णय जो हमारे बकाया हैं उसमें ओटीएस करने के संबंध में निर्णय, तो तमाम इस प्रकार के निर्णय। कितने कितने लगभग कितने प्रस्ताव पास हुए इस तरह? बोर्ड बैठक में लगभग 14 प्रस्ताव। उद्योग नीति के लिए कुछ नई अलग से स्कीम बनाई सरकार? उद्योग नीति का इस समय हमने नई सरकार ने एक नई उद्योग नीति बनाई है, और इसके अतिरिक्त 14 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हम अलग अलग सेक्टर वाइज नीति जो कि इसके टॉप अप है, तो चाहे वो एमएसएमई में हो, चाहे पर्यटन में हो, चाहे सिविल एविएशन में हो, चाहे अतिरिक्त ऊर्जा में हो, इन सारे सेक्टर्स में वो हम अलग अलग नीतियां बना कर ला रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग इसमें हो, इन सब में अलग अलग नीतियां बनाकर ताकि निवेश यहाँ पर प्रस्तावित हो सके। लैंड बैंक कहाँ से आएगा सर इंडस्ट्री? लैंड बैंक अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, देखिए जैसे हम लोगों का ये लखनऊ से और दिल्ली तक का जो ये चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो या आगरा से लखनऊ के बीच का एक्सप्रेसवे हो या प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हो जो लखनऊ से बढ़िया की तरफ जा रहा है, या ये डीएमआईसी का हमारा पोर्शन है, इनके आसपास हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे वहाँ पर, तो उन टाउनशिप्स में ये सरलता रहेगी कि जो हमारे संचार के माध्यम है वो तत्काल